हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपने रूम की बेडरूम की क्लीनिंग करने। तो बाबू बाहर खेल रहे, मैंने सोचा तब तक मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। और मैंने भी कल ही हेयर वॉश किया था, कल नहीं परसों, सॉरी। तो मैं पहले बालों को ढक लूँगी और अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि थोड़े से झाड़ू वगैरह साफ भी करने हैं हमें, और वो भी ये दुपट्टे से कवर करके क्लीन करनी है हमें। तो बाबू जब खेलते नहाने से पहले हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगा। क्या हुआ देव? क्यों, किस बात का करंट लग रहा है उसे? करंट लग रहा है क्या? पहले मैं करंट कर लेती हूँ अपने आप को, ताकि मेरा फेस और बाल वगैरह गंदे ना हो। और आज मैं क्लीन करूंगी फेस को, कवर करके दुपट्टे से, वो भी कमांडो बिल्कुल एकदम बंद। ये देखिए मैं पूरा पैक हो गया, अब मैं फटाफट चली। क्या हुआ? बहुत परेशान कर रही है लड़की। तो चलिए फटाफट सफाई करती हूँ, फ़ोन को लगा देती हूँ स्टैंड पर, ठीक है? तो मैंने ये ले लिया है झाड़ू, अब मैं चलती हूँ सफाई की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई अपने झाड़ू लगाने के लिए। तो ये देखिए मैं झाड़ू लगा रही थी, फिर भगवान जी का जो पोस्टर है ना गणपति जी का, तो उनके ऊपर झाड़ू लग गया, तो मैं वही क्षमा मांग रही थी, क्योंकि झाड़ू नहीं टच होना चाहिए, तो गलती से हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर मैंने दीवार पर हल्के हल्के ऐसे ही लगा, चूँकि धूल वगैरह हो या तो फिर जो झाले हो ना साफ़ हो जाएगा। झाले बहुत ज़्यादा नहीं थे, हल्के हल्के थे, क्योंकि मैं बीच बीच में ना साफ़ करते रहती हूँ। और ये खिड़कियों पर कर दी थी, क्योंकि हल्के हल्के झाड़े आ गए थे और बाहर से धूल वगैरह थोड़ा सा जम गया था खिड़की पे, तो उसको मैं खोल के साफ़ कर लूँगी थोड़ा सा। ये देखिए, और पीछे का नहीं खुलता क्योंकि कूलर रखा हुआ था ना पीछे का, खिड़की के पीछे वाला जो एक और डोर है शायद कांच का था, तो वो नहीं खुलता क्योंकि कूलर लगा हुआ था, तो फिर मैंने नहीं खोला उसे। और यहाँ पर मैं पर्दा लगा दूँगी। यहाँ पर मैं ना बाल को अंदर मोड़ना भूल गई थी, काम का इतना चक्कर था कि बाबू खेले तो मैं फटाफट काम कर लूँ, इसके चक्कर में मैं बाल को अंदर करना भूल गई। अब मैं अभी जब वीडियो डाल रही फिर मैं देखी, तो कोई बात नहीं, क्या करें। और बल्कि बाल को सेफ्टी रखने के लिए मैंने ये बांधा था कि बाल गंदे ना हो, फेस गंदे ना हो, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पर ना मैं चार्जर लगाती हूँ बोर्ड में, बेटी बार बार निकाल करके ना वो उसको हिला हिला के मतलब खींच दे, बहुत ज़ोर से खींच देती है। तो फिर मैं उसको लगा दी थी, बाहर निकल गई थी। तो देखिए अब मैं इधर आ गई थी झाले साफ करने के लिए। फिर मैं यहाँ पर ये पीछे का जो दरवाज़ा है ना उसको भी साफ़ कर दे रही हूँ, गंदा थोड़ा थोड़ा धूल आ गया था खोलने पर मैं देखी थी। और बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मच्छर निकल रहे थे पर्दे के पीछे से एक दो, और जब मैंने गेट खोला तो इसमें भी तीन चार मच्छर निकले, तो मैंने सोचा कि अच्छा किया जो कि खोल दिया, और वो तो उड़ गए सारे। जब भी मैं सोचूँ कि रात में मच्छर कहाँ से रहते हमने, और हम लोग मच्छरदानी का यूज़ करने लगे हैं क्योंकि बाबू है ना, फिर सोती ने वो काट लेंगे, भी अच्छा नहीं है। तो मैं बेड को अच्छे से झाड़ दूँगी, और बाहर वो साइकिल खड़ी है, दिख रहा होगा।
तो ये जो एक जाली वाला गेट है वो नहीं खुल रहा था क्योंकि बाहर साइकिल लगी हुई थी, तो मैंने खोला भी नहीं उसको। और मैं अच्छे तरीके से झाड़ू लगा दूंगी या फिर मैं इसको बंद कर दूँ। मैं इसको खोल के नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा सामने इधर दूसरा जो गेट है उसी से आना जाना करते हैं, इधर से नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इधर का खोल दूंगा ना तो बेटी इधर भी जाने लग जाएगी, क्योंकि फिर साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो हो सकता है कहीं जाए और गिरा ले कहीं ऊपर, तो इस वजह से मैं पीछे गेट नहीं खोला। और मैं हाथ में कपड़ा लेकर घूम रही थी ना कि जहाँ दाग धब्बे होंगे मैं उसे छुड़ाते रहूँगी, तो मैं इसीलिए हाथ में लेकर घूम रही थी इसी को। मेरे दोनों काम साथ में होते रहे। और यहाँ पर आ गई थी देखिए बेटी, फिर बाहर ये नहीं रुक रही थी तो मैंने इसको फिर दे दिया, इसको किचन से दे दिया था खिलौना और अपना ही खेल रही थी, क्योंकि बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बाहर रोने लगी थी। तो मैंने इनको यहाँ पे बैठा दिया था बेड को साफ़ करके, और वो मेरे हमें ना बहुत ध्यान से देख रही थी क्योंकि ऐसे फर्स्ट टाइम देख रही है वो, और देव बोल रहा है कि बिल्कुल डाकू लग रहे हो, डाकू आप। ये देखिए खेल रही है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अलमीरा की क्लीनिंग करने के लिए थोड़ी बहुत। ऐसे देखने से लगता है ना जब झाड़ू लगाते हैं तो गंदा नहीं है, गंदा नहीं। आज जब मैंने आज झाड़ू लगाना तो बहुत सारा कूड़ा निकला, इस तो डेली लगाते हैं लेकिन आज जब सफाई वफाई करी थी थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल गया, खिड़की के पीछे से, दरवाजों के पीछे से इधर थोड़ा निकल गया। ये देखिए मैंने बेड के नीचे भी सफाई कर लूँगी, बेड डेली मेरा साफ होता रहता है, ऐसी बात नहीं है। और पावदान को मैं झाड़ लेती हूँ, देखिए मैंने पावदान हाथ से बनाया और कैसा लगा आप सभी को, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ईजी, बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी से बातें करी थी कि देखिए मेरा झाड़ू का काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए, तो ये मैं आपसे बहुत बता रही थी। और यहाँ पे फिर से बाबू खेलने लगी है, और बेटी जब तक खेल रही थी ना मैंने सोचा कि पोछा बाद में लगाऊंगी तो सो जाएगी तब, बट वो खेल रही थी अच्छे से, रो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि पोछा भी लगा लेती हूँ लगे हाथ ही। ये कितने प्यार्स खोल रही, वो ना उसका कुकर है और उस खोल रही बंद कर रही वही उसी में लगी हुई है, और अभी जब ये बंद हो जाएगा ना तो ला करके फेंक देगी खोलने के लिए। देखिए कितने प्यार से खेल रही है, अपना बना रही है, खा रही है। ये बंद हो गया, जब ये नहीं खुलेगा ना तो फेंक देती है नीचे को, ये देखिए। और यहाँ पे मैं बेड के नीचे भी पोछा लगा ली थी अपना, क्लीन हो गया, ये देख सकते हैं। और अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि और जितने झाले वगैरह थे मैंने सारे साफ कर दिए हैं, और फाइनली ये कहीं भी झाला मकड़ी दिखाई नहीं देंगे, मैंने अलमीरा को क्लीन कर दिया मेरा रूम। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना बेड, देखिए मैंने बेड भी लगा दिया और बाबू चले गए बाहर खेलने। ये देखिए ये है हो गया, लेकिन जैसा भी ठीक है सब लोग अच्छा। ये मेरा हो गया रूम बिल्कुल क्लीन और हो गया बिल्कुल साफ। ये छोटा सा बाबू का ना बिस्तर है, ये उसी पर सोती है, और हो गया सफाई आज के मेरे बेडरूम की क्लीनिंग हो गई। मैं वीडियो का करूँगी अब एंड, मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अब मैं फटाफट जाती हूँ नहाने के लिए क्योंकि बाबू खेल रही हैं, तो फिर से मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग बहुत सारा अपना ध्यान दीजिएगा।